आज का जो हमारा सेशन है वो है जनरल नॉलेज के बारे में। हम आज जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज ये हम तैयार कर रहे हैं parkmcqs.com, ठीक है। ये वेबसाइट का नाम है PAK, parkmcqs.com। अगर किसी को यहाँ से ब्लर नजर आता है, क्लियर नहीं नजर आता कि हम क्या चीज प्रिपेयर कर रहे हैं, तो पाक एमसीक्यूज के ऊपर जाके कैटेगरीज में जाएगा और वहां से जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज खोल के आप लोग देख सकते हैं कि हमने आज के सेशन में क्या पढ़ा है। तो आज हम पढ़ने लगे जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज। International Day of UN Peacekeeper celebrated every year on UN Peacekeeper का जो International Day celebrate होता है वो 29 मई को होता है, ठीक है। 29 मई, अच्छा जी। नेक्स्ट MCQs है हमारा खरतूम इज अ कैपिटल ऑफ सूडान। सूडान का जो कैपिटल है खरतूम उसको कहते हैं। नुआकचोट इज कैपिटल ऑफ, ये लफ्ज बड़ा मुश्किल है, इसको मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, चलो इसको कॉपी करके सुन लेते हैं कि इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं। नुआकशोट, नुआकशोट इज अ कैपिटल ऑफ मेरिटानिया, मेरिटानिया। अच्छा जी, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे WPD ऑब्जर्व्ड ईच ईयर ऑन 19 अगस्त, यानी जो दुनिया का फोटोग्राफी डे बनाया जाता है वो कब बनाया जाता है, 19 अगस्त को। सोनोरान इज अ डेजर्ट प्रेजेंट इन, सोनोरान जो डेजर्ट है वो मेक्सिको में प्रेजेंट है। हाउ मेनी ओलंपिक मेडल्स हैज पाकिस्तान वॉन, अच्छा पाकिस्तान ने कितने ओलंपिक मेडल्स वॉन किए हैं, 10 आज तक उसने 10 वॉन किए। अभी अगर ये वॉन कर जाता मेडल तो फिर 11 हो जाते, अभी तक 10 है। हाउ मेनी कंट्रीज इन वर्ल्ड स्टार्ट विद क्यू, दुनिया में कितनी ऐसी कंट्रीज हैं जिनका नेम जो है वो स्टार्ट होता है क्यू से, तो ओनली वन कंट्री है। बास्केटबॉल इज अ नेशनल गेम ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, बास्केटबॉल जो है नेशनल गेम है किस कंट्री की, लिथुआनिया की, लिथुआनिया की बास्केटबॉल नेशनल गेम है, लिथोनिया, लिथोनिया, लिथोनिया वर्ड है। लैरी ओ बेरिन ट्रॉफी इज द फेमस चैंपियनशिप ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, अच्छा ये जी लैरी ओ बेरिन ये ट्रॉफी जो है ये बास्केटबॉल की चैंपियनशिप है। अच्छा नेस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम इज लोकेटेड इन अमेरिका, अच्छा जी ये हॉल कहाँ पे करता है, अमेरिका में। चलें जी पेज नंबर टू पे आ गए हैं, parkmcqs.com और ये जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 2, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज कंसीडर्ड फाउंडर ऑफ बास्केटबॉल, किस नेशन को ये कंसीडर किया जाता है कि वो फाउंडर है बास्केटबॉल की, अमेरिका को। चलें जी ये भी आज पता चल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी इज द फाउंडर ऑफ बास्केटबॉल, ओ बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कौन सी पर्सनैलिटी को बास्केटबॉल का फाउंडर कहा जाता है, जेम्स नेस्मिथ,
देखिए एन ए आई नई नई स्मिथ, नई स्मिथ ना नई स्मिथ, चले कुछ ही बोल दें, जेम्स ने स्मिथ। इतने मुश्किल मुश्किल नाम इन्होंने रखे क्यों है, अब हम क्या करें, कैसे प्रोनाउंस करें, इंग्लिश भी हमको नहीं आती है इतनी। मारिब दम आइए दम दे मैर ये दम में कुछ भी पढ़ लें, दम ही पढ़ेंगे हम, हमको तो दम का ही पता है। मारिब दम दम इज लोकेटेड इन यमन, मैरिब दम इज लोकेटेड इन यमन, यमन में है ये कोई। अच्छा डेम, ओ हो देखे ना, अब ये भी नहीं पढ़ना आता। मारिब डेम इज लोकेटेड इन यमन, यमन में आई है डेम। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, बम्बई की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इस्टेब्लिश कब हुई थी, 1875 में, ठीक है 1875। अच्छा जी, हु इज द फाउंडर ऑफ टेलीग्राम, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फेसबुक का तो हमें पता है, टेलीग्राम का आप देखते हैं कौन है। ये पेवल ड्रॉव डोव, पेवल ड्रॉव जो है ये है टेलीग्राम का फाउंडर। व्हेन इज द वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे ऑब्जर्व, यूथ का वर्ल्ड में जो स्किल डे किया जा बनाया जाता है वो जुलाई 15 को बनाया जाता है। ओके और अभी हमने क्या पढ़ा था, कौन सा दुनिया में दिन, एक और कोई दिन था। व्हाट इज द नेल्सन मंडेलास डेज, व्हेन इज नेल्सन मंडेला, ये वन ऑफ माय फेवरेट राइटर है नेल्सन मंडेला, इसकी मेरे पास बुक भी है। नहीं, इसकी नहीं है, वो किसी और की है। सेलिब्रेटेड जुलाई 18, देखें जुलाई 15 को हमारा स्किल डे मनाया जाता है दुनिया में यूथ का, और जुलाई 18 को क्या होती है, नेल्सन मंडेला डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो दोनों साथ साथ हैं, तो बस ये याद रखने। लेंथ ऑफ कैनेडाज बॉर्डर विद द यूनाइटेड स्टेट, अब कैनेडा और यूनाइटेड स्टेट की बॉर्डर कितनी है, 8,891 किलोमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ कैनेडाज बॉर्डर विद द यूनाइटेड स्टेट इज 8,891, 8,891 किलोमीटर है। Who founded Judaism? किसने, अब्राहम, अब्राहम लिंकन, लिंकन था या नहीं था ये नहीं पता, अब्राहम इसका नाम था, उसने बुद्धिज्म जो था उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। सरमा इज अ नेम ऑफ सुरमा, सुरमा सुरमा इज अ नेम ऑफ, ओ वाओ ये आपने याद रखना, हमारा जो सुरमा आंखों में नहीं लगाते उससे, सुरमा इज अ नेम ऑफ रिवर, ये किसी रिवर का नाम है। चलें जी, हमारी जी टीचर भी आ गई हैं, अब हम पूछते हैं अपनी टीचर से भला वो हमें पढ़ाएंगी या नहीं पढ़ाएंगी। हाँ टीचर जी, आप अपना माइक ऑन कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मिस, आपके कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप हमने सुनाएं? ठीक है। हमने अपनी मिस को बहुत मिस किया है। अच्छा हाँ हमारी टीचर कहाँ चली गई थी इतने दिन? मैं बस, कोई तबीयत ठीक नहीं थी तो थोड़ा नेट का भी इशू आ रहा था, लाइट कभी आ रही थी कभी नहीं थी, तो मैं नहीं सेशन ले सकी। तो अच्छा ये है कि अब बस आज से ही हमने रेगुलर दोबारा स्टार्ट किया फातिमा, तो अब बस मैं हाँ हाँ कर ठीक है। रही थी कि अगर आप नहीं आती तो मैंने कहा मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, फिर जब आपने ज्वाइन किया बीच में तो चलें फिर वहां से आगे कर लेंगे। एक्चुअल में मैं चाह रही हूँ कि करंट अफेयर और जनरल नॉलेज का खत्म करके सेशन, क्योंकि इनके ही बस रह गए, और उसके बाद डिस्क्रीट मैथ का शुरू करें। आप तब तक फिर करवाए ना, जब तक बस मैं खाना खा के आती हूँ। बस ठीक है, मैं इसी को कंटिन्यू करती हूँ, फिर आप आए तो फिर आप खाना, बताएं कि कहाँ से करना है। हाँ ठीक है, वो फिर मैं कर देती हूँ आगे। ठीक है, मैं चलें यहीं आप पे कर दूंगा। स्टार्ट करें। ओके, ठीक है, ठीक, लॉन्गेस्ट रेलवे ओके। लाइन इन द वर्ल्ड इज ट्रांस सिबेरियन रेलवे, ट्रांस सिबेरियन रेलवे जो है दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन रशियन लैंग्वेज, ओहो ये तो बहुत खतरनाक लैंग्वेज है,
रशियन लैंग्वेज में कितने वर्ड्स हैं? वर्ड्स है, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन रशियन? नहीं, लेटर्स होते तो फिर भी कहते हैं, वर्ड्स का क्या मतलब हुआ? पैंत इकाई दाई सगड़ा अदा दादा लाख, 3,50,000 वर्ड है रशियन लैंग्वेज का। अच्छा जी, 10,000 करेंगे तो थोड़ा हो जाएगा, इकाई दाई सगड़ा अदा दादा लाख, लाख करेंगे वो भी थोड़ा हो जाएगा, 1,50,000 करेंगे वो भी थोड़ा हो जाएगा, तो 3,50,000 इनका लैंग्वेज में वर्ड्स है। द वेट ऑफ 5 रुपी कॉइन, ओए होए होए, ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है। द वेट ऑफ 5 रुपी कॉइन ऑफ पाकिस्तान इज 5.50 ग्राम इसका वेट है। द स्टेट ग्रेट खुरल इज द पार्लियामेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ये जो है स्टेट ग्रेट खुरल इज द पार्लियामेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? मंगोलिया, मंगोलिया की ये है पार्लियामेंट की स्टेट। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ जॉर्डन? जॉर्डन के पार्लियामेंट का नेम क्या है? मजलिस अल उम्मा, ठीक है, मजलिस अल उम्मा इसका नाम है पार्लियामेंट का, यानी उम्मत की मजालिस, मजलिस, ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्लियामेंट ऑफ बर्मा? बर्मा का पार्लियामेंट, बर्मा वही है जहां पे मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था थोड़ा ऐसा पहले। पैथिक हेल्ता, हिल्ता, अब ये इतने मुश्किल मुश्किल नाम है, भला हम अंग्रेजी दान भी नहीं है तो कैसे पढ़े इनको? चलो गूगल से पूछते हैं कि इसको क्या प्रोनाउंस करना है, प्रोनाउंसिएशन। पैथिक हेल्ता, ये तो इसको ढूंढ रहा ही नहीं है, चलो इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन इससे पूछ दे। अल्ता, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी नहीं है, आप खुद ही पढ़ लेते हैं जो भी कुछ है। सबसे मुश्किल नाम यहाँ पे जो होगा ना वो बस आंसर लगा के आ जाना आप, बर्मा के पार्लियामेंट का। मजली से मसूरात इज द पार्लियामेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ब्रुनाई, ब्रुनाई की जो मजलिस है, मजलिस है मसूर, मसूरात, पार्लियामेंट ऑफ नॉर्वे इज नाउन एज स्टॉर्टिंग, स्टॉर्टिंग पार्लियामेंट, नॉर्वे के पार्लियामेंट को स्टॉर्टिंग कहते हैं। पार्लियामेंट ऑफ ओमान इज नाउन एज कंसल्टेटिव असेंबली, कंसल्टेटिव असेंबली। मशर ब्रह्म पीक इज लोकेटेड इन गंची जीबी, गलगित बल्तिस्तान में है गंची जीबी। मशर ब्रह्म पीक इज लोकेटेड, अच्छा जी, जीबी में है ये। कौन सा हम पढ़ रहे थे, तीसरा चौथा पेज करते हैं। जनरल नॉलेज जो है ना कि हमारा, वैसे ही हम लोगों ने इसको कभी अहमियत नहीं दी होती तो बड़ा वीक जा रहा है। व्हाट डज डफ मीन इन गोल्फ? बैड शॉट, डफ का मतलब गोल्फ में क्या होता है जो गेम है कि बैड शॉट आपने लगाया है। हिटिंग द बॉल इनटू द होल इन वन स्ट्रोक इन गोल्फ इज कॉल्ड एक, एसी, एक्नी होता है तो ऐसे एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन में इसकी चेक कर लेती हूँ, कहीं जरूरत पड़ सकती है क्या होती है। बोल जाओ। You're looking at how to pronounce this word in English.
How do you go about saying it? Ace. No, it is not us, but rather. Ace. इसको बोलेंगे एस, ठीक है. हिटिंग द बॉल इन टू द होल इन वन स्ट्रोक इन गोल्फ इज कॉल्ड एस. पार, ब्राइडी, ईगल एंड एस आर फेमस टर्म्स ऑफ गोल्फ स्पोर्ट. ठीक है, स्पोर्ट जो है गोल्फ स्पोर्ट. स्पोर्ट. व्हाट इज द हाइट ऑफ एन आइस हॉकी गोल? आइस हॉकी गोल 48 inches. The width of an ice hockey goal is 72. Width. अच्छा, इसकी height कितनी है? 48 और इसकी width कितनी है? 72. 48 and 72. What is the length of an ice hockey stick? Stick की length कितनी होती है? 63 inches. अच्छा जी. There are dash players in each team in ice hockey. 6 players होते हैं इसके अंदर, ठीक है. और स्टिक की लेंथ कितनी होती है? 63. और इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी विड्थ की 72 एंड इसकी हाइट 48. स्टेनले कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? आइस हॉकी. स्टेनले कप आइस हॉकी के साथ है. द हॉकी हॉल ऑफ फेम इज लोकेटेड. हॉकी का हॉल, फेम ऑफ हॉल कहाँ पे लोकेटेड है? टोरंटो में. Which country invented ice hockey? किसने इसको invent किया? Canada ने. चले जी, पांचवा पेज देखते हैं. पहले 5-7 पेज अगर हम हर MCQs के कर लें तो almost वहीं से पेपर में इंक्लूड होती हैं चीजें. अच्छा, under the rule of golf, a golf ball has a mass no more than 1.62 ounces. इससे ज्यादा इसका वेट ना हो. What is the size of the golf hole? 1.62 ounces इसकी बॉल का साइज है और 4.25 inches इसके गोल्फ का होल होता है. Which of the following country invented golf? किसने इन्वेंट किया? स्कॉटलैंड ने. और आइस हॉकी किसने? कनाडा में इन्वेंट हुआ, ठीक है. और वो एक और हमने गेम पहले पढ़ी थी, वो अमेरिका में स्टार्ट हुई पहले. एंटोनियो जेस्चर्स, नहीं, गुटेरस, गुटेरस पता नहीं ये क्या वर्ड है. चलो जी, अमर इंग्लिश दानों कोई तो बीच में बता दो क्या वर्ड है. गूगल से ही पूछना पड़ता है मुझे. एंटोनियो, एंटोनियो GUTERRES. चलो जी बोलो तुम. एंटोनियो गुटेरस. चलो जी, मैं कुछ सही बोल रही थी. गुटेरस, गुटेरस. एंटोनियो गुटेरस UN सेक्रेटरी जनरल आल्सो सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल. ठीक है, एंटोनियो गुटेरस जो UN का जनरल सेक्रेटरी था, उसने सर्व किया था एज अ प्राइम मिनिस्टर किस मुल्क का? पुर्तगाल का. चैलेंज, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर इन अवर सोलर सिस्टम? तो हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? ये हम गूगल से पूछते हैं क्योंकि इधर तो 8 है. 8 ही है. हाउ मेनी क्या होता है? बात ही भूल गई हूँ. प्लैनेट्स, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर? 8 हैं भाई. आर देयर इन अवर, और एक कंफर्म करने दो, इधर से मैं तस्वीर भी दिखाऊंगी इसलिए कह रही हूँ. अच्छा अच्छा, करने ये देखो जी, मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ कि जब आप लोगों को गूगल से देखा होगा ना तो फिर पक्का याद रहेगा. ये देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो ये तस्वीर में 8 बने हुए. तो तस्वीर इमेज कभी नहीं भूलता. अब 1 picture says 1000 words. ये बात कभी पड़ी होगी. अच्छा जी, डम डम इंटरनेशनल एयरपोर्ट. डुम 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 डुम, हाय डुम डुम, कितने मजे का नाम है. इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन कलकत्ता. कलकत्ता में है ये डुम डुम. अच्छा, द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ द अफ्रीकन यूनियन इज इन. अफ्रीकन यूनियन का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कहाँ है? इथोपिया में. ओके जी, नॉर्थ कोरिया इन्वेडेड साउथ कोरिया इन द ईयर.
इन्वेडेड का क्या मतलब होता है, किसी को आता है? इन्वेड, इन्वेड, इन्वेड किया, क्या किया था इन्होंने? पेश कदमी आई गेस, पेश कदमी, इन्वेड होना यानी कि एक किसी की कंट्री में दाखिल होना या इस तरह इन्वेड चलो मतलब, लेकिन आप चेक भी कर लें। गूगल बाबा से भी पूछते हैं मीनिंग। इन्वेड ऑफ एन आर्म फोर्स इंटर अ कंट्री और रीजन, ठीक है, किसी मुल्क में दाखिल होना, ठीक है, इन्वेडेड का ये मतलब है। तो नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के अंदर कब पेशकदमी की थी, उनके मुल्क में कब दाखिल हुए थे? तो 1950 में दाखिल हुए थे। अच्छा जी, ठीक है। विच कंट्री इज कंसिडर्ड एज एन ओरिजिनल मेंबर ऑफ यूएन दो इट इज साइंड द चार्टर लेटर, दो इट साइंड द चार्टर लेटर। अच्छा, ये कौन सा कंट्री है जिसने यूएन को ओरिजिनल मेंबर कंसीडर होता है यूएन का, हालांकि इसने चार्टर लेटर को साइन किया हुआ है? तो वो पोलैंड है, पोलैंड। हाउ मेनी डेलीगेट्स कैन ईच कंट्री सेंड टू द यूएन जनरल असेंबली, तो कितने डेलीगेट्स भेज सकता है हर कंट्री? पांच। चले, अब ये हमने पहले पांच पेज कर लिए। फातिमा, नेक्स्ट आपकी क्या सजेशन है? आप बताएं कि ये करने या मेरे पास जो कुछ पड़ा हो तो उसमें से करवा लूं। देखें, आपने अपेयर भी हुई हुई है पहले और आपने ज्यादा अच्छे से इन चीजों को समझा हुआ है, तो मेरी ये सजेशन यही है कि जो आपको बेहतर लगता है वो करवाएं। अच्छा, अभी तब एक मिनट रुकना, आप तब तक अभी थोड़ी देर में मुझे होस्ट बनाना, मैं पहले सर्च कर लूं ना वो डॉक्यूमेंट। ठीक है, आप जब तक सर्च करें फिर हम थोड़े से बीच में पढ़ लें साथ से। हाँ 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 साथ नॉलेज तो कहीं नहीं जाता ना, क्या पता होता है इधर से कोई चीज आ जाए। आप सर्च करें जब तक ये हमारा छठा पेज में भी एंड हो जाए। द गल्फ वार ऑफ 1991 वाज प्रेसिपिटेटेड बाय इराकी एनेक्शन ऑफ कुवैत, ठीक है, कुवैत, कुवैत से। हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल इलेक्टेड फ्रॉम द रैंकर स्टाफ ऑफ यूनाइटेड नेशंस, कूफी अनान, अनान जो थे उनको फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट किया गया था रिंकर स्टाफ ऑफ यूनाइटेड नेशंस का। अच्छा, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका इज, हाईएस्ट पॉइंट अफ्रीका का क्या है? एम टी किली मैन जैरो, किली मैन जारो, किली मैन जारो जो है ये इनका अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट है। द इसराइली इंटेलिजेंस कम्युनिटी इज मेड अप ऑफ अमान, मुसाद और शिनबेट, ये सारे ही कुछ हैं। मुसाद को तो पता है इंटेलिजेंस की इनकी एजेंसी है, बाकियों का मुझे नहीं पता था। हाउ मेनी मेंबर्स आर इन द के एन ई डबल एस सी टी लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इसराइल, तो 120 मेंबर हैं इस कमेटी के, बॉडी के। के एन ई डबल एस सी टी को सर्च कर लीजिए। अच्छा जी, ये सर्च कर लेते हैं क्या होता है। ये इसराइल की ही है ना, इसराइल का ही कुछ होएगा। के एन ई डबल एस ई टी, हाँ, ये कौन से मेंबर्स की बात कर रहे हैं? ये है कुछ, ये 120 सीट्स हैं। फाउंड कब हुई है? 14 फरवरी 1949 में, 47 में पाकिस्तान बना, ठीक है, 47 में पाकिस्तान बना, तो 48 तो 39 तो 2 साल बाद ये बनी है, ठीक है। और इसका नाम है किनसेट यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव लेजिस्लेचर ऑफ इसराइल एज द सुप्रीम स्टेट बॉडी, द किनसेट इज सुवर्जन एंड दस हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द इंटायरली ऑफ द इसराइली गवर्नमेंट, इसके पास पूरा जो है ना कंट्रोल है। और इसके सीट्स 120 हैं और वोटिंग सिस्टम पार्टी लिस्ट प्रमोशनल रिप्रेजेंटेटिव। तो अब इसका नाम क्या है पूरा? सीट्स, देखिए सीट्स से इसके काम होंगे तो मेंबर्स 120, सीट्स 120 है ना, सीट्स 120 है।
बैक के लिए इसकी अब्रिविएशन नहीं मिल रही, चलो जी आगे चलते हैं जल्दी से. वेयर इज द किनसेट हेडक्वार्टर लोकेटेड, कहाँ पे, यरूशलम में, ठीक है, इसराइली वो है तो यरूशलम में है. विच कंट्री इज विद मोस्ट स्मार्टफोन यूजर, ओ किस कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा स्मार्टफोन यूजर है, चाइना के अंदर. विच मुगल में, क्या चीज, चाइना में ही है ज्यादा. हाँ मुगल रूलर वाज, एक मिनट आप लोगों की आवाज आहिस्ता हुई है. विच मुगल रूलर वाज मॉडर्न टू क्वीन एलिजबेथ, तो कौन सा रूलर जो था क्वीन एलिजबेथ के लिए मॉडर्न था. अकबर, अकबर, अकबर शाह, अकबर बादशाह जो था जी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज द लोनलीएस्ट पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑन अर्थ, पॉइंट नीमो, नीमो, नीमो. अच्छा मकरान मेडिकल कॉलेज इज लोकेटेड इन तुर्बत, बस जी थक गई हूँ मैं. चल फातिमा आगे आप करवाओ. तुर्बत, तुर्बत बड़ी प्यारी है यार, लेकिन मुझे लगता वो डेटा मिल नहीं रहा, नहीं मिल रहा. चलो जी हम आगे चलते हैं, छोड़ो आप ही देखते हैं हम फातिमा कब तक ढूंढती है, नहीं तो हम जो है ना आगे पढ़ते जाते हैं. वेट नहीं करेंगे, वेट इसलिए नहीं करेंगे कि टाइम वेस्ट हो जाता है. सही सही करेंगे, सुन रही हूँ. Which of the following is world longest and deepest tunnel? एक एक मुझे डॉक्यूमेंट मिल गया, उसी को करते हैं. ठीक है, ये पढ़ लेते हैं बस. ये बड़ी मजे का क्वेश्चन है. अच्छा ठीक है. वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट और डीपेस्ट टनल कौन सी है जो ओपन की गई इन स्विट्जरलैंड 2016 में, किसी को पता है? गोट हार्ट टनल, गोट गोट जी ओ डबल टी, गोट हार्ट एच ए आर डी, हार्ट टनल. ठीक हो गया. चलो जी फातिमा अब आप करवाओ, होस्ट करो. हाँ हाँ होस्ट कर, चलें स्टार्ट करें शेयर. अच्छा थोड़ा सा बड़ा करना और ये मेंशन कर देना कि ये आप कहाँ से करवा रही हो, क्योंकि बाद में लोग यूट्यूब पे पूछते हैं बार बार, तो वो फिर मेंशन करना पड़ता है कि कहाँ पे ये MCQs क्या आपके पास PDF में है. अगर PDF में है तो हम ठीक है, ये मेरे पास एक डाउनलोडेड था डॉक्यूमेंट, ये मैं शेयर भी कर दूंगी, PDF में है, आप मुझे तो शेयर इसको कर हम देना, करते हैं. ठीक है, मैं इसको ड्राइव में अपलोड करके उसका लिंक विजिबल है सबके लिए? हाँ ठीक है. यस, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 आ रही है. ठीक है, द लास्ट डे डेज ऑफ यूनाइटेड पाकिस्तान इज रिटन बाय GW चौधरी. लास्ट डेज ऑफ, इरम की आवाज कट रही है, इरम क्या बोल रही है? यूनाइटेड पाकिस्तान इज रिटन बाय, आपकी आवाज मुझे आ रही है, अब आ रही है? जी आ रही है. ठीक है चलें स्टार्ट करते हैं. लास्ट डेज ऑफ, है लास्ट डेज ऑफ यूनाइटेड पाकिस्तान, तो ये लिखी थी. ठीक है, इन विच ईयर नोबेल प्राइज फॉर पीस वॉज अवॉर्डेड टू द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस. वो नहीं, वो नोबेल प्राइज का भी हमने पढ़ा था. हाँ वो ये है कि कौन से ईयर में जो है जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस है ना, इसको पीस नोबेल प्राइज मिला था. तो ये यहाँ पे तीनों हैं, ऑल ऑफ दीज, यानी 1917 में भी मिला था, 1944 में भी मिला था और 1963 में भी मिला था. ठीक है ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर रिसोर्स मिनरल, इनमें से कौन सा जो है वो पावर रिसोर्स मिनरल है? तो वो डेफिनेटली हमारे पास क्या है, कोयल है, कोयला जिसे हम कहते हैं. The planet nearest to the earth is Venus. जमीन के सबसे करीब जो planet है वो Venus है. ठीक हो गया. Swaziland is the landlocked country of Africa. Landlocked. Swaziland. ठीक है. हाँ landlocked. Landlocked country वो country होती है जिसमें sea नहीं होता, जिसकी कोई coastline नहीं होती.
यानी कि समंदर जिसके साथ टच नहीं होता तो वो आपके पास लैंड लॉक्ड कंट्री होती है. द जैपनीज प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर टू वॉज हिडेकी टोजो. ये जैपनीज जो प्राइम मिनिस्टर था जब वर्ल्ड वॉर टू लगी थी तो उसमें इसका जो प्राइम मिनिस्टर का नाम था, जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम था हिडेकी टोजो. और ये वर्ल्ड वॉर वन कब स्टार्ट हुई थी, कब एंड हुई थी, और वर्ल्ड वॉर टू कब स्टार्ट हुई थी, कब एंड हुई थी, ये डेट्स भी याद रखनी है. ये तो सर्च करना पड़ेगा. सर्च कर लें फिर. अभी नहीं हो सकता. मैं थोड़ा वो हो रही ना. हाँ चलें ये वो बाद में कर लेंगे. ये कुछ मुझे एग्जैक्टली अभी थोड़ा माइंड से स्किप हुआ है. एक 1914 टू 18 थी और एक मेरे हाथ से 39 टू 45 थी. ये हम कंफर्म कर लेंगे थोड़ा. मैं चलो इसको बाद में करके शेयर कर देंगे. ठीक है. The headquarters of International Atomic Energy Agency is located in Vienna. Vienna के अंदर जो है ना International Atomic Energy की जो एजेंसी है वो उसका हेडक्वार्टर है जी Vienna के अंदर. How many members of these of Commonwealth? यानी इनमें से how many members are there है? Sorry यहाँ पे these लिखा हुआ है there है. Commonwealth जो games इनके कितने members हैं? Commonwealth games ही होती हैं मेरे ख्याल से. तो ये 53 members हैं. ये भी देख लेंगे. ठीक है. द सेक्रेटरिएट ऑफ कॉमनवेल्थ वॉज लोकेटेड इन विच सिटी, और वो है लंदन के अंदर. ठीक है. इंडस सागा इन द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान बुक इज रिटन बाय एतजाज अहसन. इंडस सागा एंड द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान जो बुक है वो लिखी गई थी एतजाज अहसन ने. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द रेनियस्ट ऑफ पाकिस्तान. तो सबसे ज्यादा बारिशें मरी में होती हैं. हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलुक डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सुल्तनत. तो तुगलुक जो डायनेस्टी थी इसकी, जो दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट रूलर था वो था नसीरुद्दीन मोहम्मद. Who amongst the following sultan of the slave dynasty reigned for the longest period? तो वो था शमसुद्दीन अल्तमिश. ठीक है. अल्तमिश. शमसुद्दीन अल्तमिश. चिनाब फॉर्मूला टू रिजॉल्व द कश्मीर डिस्प्यूट वॉज प्रेजेंटेड बाई सरदार अब्दुल कयूम खान. ये जो चिनाब फॉर्मूला दिया था कश्मीर का जो इशू को सॉल्व करने के लिए तो वो था, वो सरदार अब्दुल कयूम खान ने दिया था. डोम ऑफ रॉक इज लोकेटेड इन जेरूशलम. यरूशलम के अंदर है जी डोम ऑफ रॉक. ब्रॉडवे स्ट्रीट इज फेमस फॉर सिनेमा हॉल्स. जो ब्रॉडवे स्ट्रीट है ये सिनेमा हॉल्स की वजह से मशहूर है. हैबर पास सिचुएटेड है, हैबर पास यानी हमारे पास कौन सी रेंज के अंदर आता है, तो वो है सुलेमान रेंज. हैबर पास सुलेमान रेंज के. लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड इज लैम्बर्ट सिचुएटेड इन एंटार्क्टिका. व्हाट इज इट्स लेंथ. जो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है पूरी दुनिया का वो है लैम्बर्ट जो कि एंटार्क्टिका में है. तो इसकी जो लेंथ है वो है 320 माइल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रशियन एयरलाइन. एरोफ्लॉट होता है ना 420 बंदा होता है ना 420 तो 420 हाँ? से 100 लेस करते हैं तो 320 बन जाता है. तो अब इसकी लेंथ आप हाँ, सही है. ये भी सही है याद करने का तरीका. ओके. रशियन एयरलाइन इनमें से कौन सी है, तो वो है एरोफ्लॉट. रशियन एयरलाइन एशियाना एयरलाइन इज द एयरलाइन ऑफ साउथ कोरिया. एशियाना है आशियाना है या आशियाना है कुछ इस तरह. उर्दू में आशियाना बनेगा लेकिन इंग्लिश में एशिया बोलते हैं ना. एशियाना बनेगा. हाँ एशियाना वो ये एशियाना. तो आप आसिया से याद रखना, साउथ कोरिया से बिलोंग है. हाँ साउथ कोरिया से इसका एयरलाइन है. ठीक है. द पीरियड ऑफ रबी सीजन इज अक्टूबर से मई में जो का सीजन होता है वो रबी सीजन होता है. In an island near Alexandria, an ancient wonder, the Pharos of Alexandria is situated. What is it? A lighthouse. यानी कि जो एक island है
अलेक्सेंड्रिया एंड एंशियंट वंडर जो आइलैंड जिसका नाम दिया गया द फारोक्स ऑफ अलेक्सेंड्रिया, तो इसके अंदर ये जो सिचुएट हो रहा है क्या चीज है इसके अंदर, तो ये है अ लाइट हाउस, इसकी मशहूर है अलेक्सेंड्रिया। ठीक है, मैं देखूंगी। एक मिनट रुको, मैं लिख लूं द लाइट हाउस ऑफ, और साथ में ये लिखते हैं फारोक्स ऑफ अलेक्सेंड्रिया भी लिखते हैं, पी एच ए आर ए ओ एच एस, फारोक्स ऑफ अलेक्सेंड्रिया। हाँ, ये देखेंगे, ये तस्वीर देखेंगे फिर से ही याद रहेगा। सही। Who was the president of USA during World War One? तो World War One के दौर में जो president था USA का वो था Woodrow Wilson. WW याद रखना, Wood से याद रखना बस। Woodrow Wilson. WW championship. हाँ बस WW से याद रखना। Battle of ये World War जो first जो है उसके मैं आपको बता दूँ date, July 28, 1914 to November 11 November 1918। किधर से किधर तक, दोबारा बोलो। ये स्टार्टिंग डेट ना मुझे याद है, ईयर याद है मस्त। 28 July 1942। हाँ, 42 से 11 November 1914 देख लीजिए 1939 to 1945। ठीक है जी। और वर्ल्ड वॉर वन के दौरान जो यूएसए के प्रेसिडेंट हो गए थे वो जो आपके पास WW से याद रखना, वर्ल्ड वॉर है तो WW से उनका नाम शुरू हो रहा है। ठीक है, ठीक है। वुडरो विल्सन। अच्छा, बैटल ऑफ होल्डीघाट वॉज फाउट इन 1576 AD बिटवीन राजा प्रताप सिंह एंड अकबर, यानी ये जो होल्डीघाट में जो लड़ाई लड़ी गई थी 1576 के अंदर, तो वो राजा प्रताप सिंह और अकबर के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है, 10 मिनट्स रह गए हमारे पास। ओके, मुस्लिम सेलिब्रेटेड द डेज ऑफ डेलिवरेंस ऑन 22 December 1939। मुस्लिम सेलिब्रेटेड द डे ऑफ, ये इसका मीनिंग चेक कर लें क्या है डेलिवरेंस का, कौन डे ऑफ डेलिवरेंस, ये कोई और चेक कर सकते हैं, मेरा चूंकि वो हुआ होता है। हाँ, इरम आप चेक कर लें डेलिवरेंस का मीन, मोबाइल से देखती हूँ। ये 22 December 1939 की बात है। ठीक है, तब तक मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन रीड करती हूँ, आप तब तक इसको सर्च कर लें। द फेमस रेजोल्यूशन विच केम टू बी नाउन एज पाकिस्तान रेजोल्यूशन वॉज मूव्ड बाय मौलवी फजलुल हक एंड पास अनएनिमसली इन 1940। यानी जो फेमस रेजोल्यूशन थी जिसको नाम दिया गया था पाकिस्तान रेजोल्यूशन का, और जो मौलवी फजलुल हक ने पास किया था। अच्छा, छुटकारे का दिन मनाया जाता है 22 December 1939, यानी आजादी का दिन। सिंपल सी बात है, डे ऑफ डेलिवरेंस एक्चुअल में आजादी का दिन। ये मेरे ख्याल से शायद तब इन लोगों ने वो जो थे अंग्रेजों से आजादी हासिल की थी, मे बी बड़े सगीर में जब उनको निकाला था शायद, मे बी क्योंकि हमारा तो 1947 है ना। ये जो आपके पास पाकिस्तान रेजोल्यूशन है ये है 1940 में। होमर वॉज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द लैंग्वेज नेमली ग्रीक, होमर जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का जो है ना पोइट था। इन विच ईयर न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ग्रांटेड राइट ऑफ वोट टू वुमेन, तो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने कब जो है ना 1893 के अंदर जो खवातीन को वोट देने का हक दिया था न्यूजीलैंड ने 1893 में। हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ऑफ यूएसए इज सिचुएटेड इन कैलिफोर्निया, जो हॉलीवुड की जो फिल्म इंडस्ट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो वो सिचुएटेड हो रही है कहाँ पे, यानी कहाँ पे है वो, कैलिफोर्निया के अंदर है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द 2003 नोबेल पीस प्राइज,
तो शेरी इबादी ने 2003 में नोबल पीस प्राइज विन किया था. तंजानिया इज द न्यू नेम ऑफ ज़ंज़िबार. तंजानिया नया नाम है, जो पहले इस कंट्री का नाम था वो है ज़ंज़िबार. ओल्ड नेम ऑफ फैसलाबाद इज लायलपुर. ये मैंने पास्ट एनटीएस पेपर में ये क्वेश्चन देखा है. ओल्ड नेम ऑफ फैसलाबाद इज, हाँ ये पास्ट पेपर में मैंने देखा है. लयालपुर, हाँ. कराची का वेयर वॉज, कराची का एरम बता रही है, कलाची है. अच्छा कलाची, ठीक है ठीक है ठीक है, वाकई में. वेयर वॉज जेसस क्रिस्ट बॉर्न, तो वो यानी यरूशलेम में पैदा हुए थे. विच सी हैज नो कोस्ट लाइन, विच सी हैज नो कोस्ट लाइन, सरगासो सी. ओके, इन विच कंट्री इज द पोर्ट ऑफ जफना, तो श्रीलंका के अंदर है. किस कंट्री के अंदर पोर्ट ऑफ जफना जो है वो श्रीलंका के अंदर है. हु इज नाउन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न टर्की, तो कमाल अतातुर्क जो है वो मॉडर्न टर्की के फाउंडर हैं. ये हमने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था. सही है, आगे. हु इज कॉल्ड लाइन ऑफ पंजाब, रंजीत सिंह को पंजाब का शेर कहा जाता है. विच एलिमेंट इज नेम आफ्टर द कंट्री साइप्रस, कॉपर का जो नाम है वो उस कंट्री के नाम पे रखा गया था, साइप्रस. विच टाइप ऑफ प्लांट्स इज सूटेड टू ग्रो अंडर ड्रफ कंडीशन, तो वो ज़ेरोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं वो ड्रफ कंडीशन के अंदर ग्रो करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी एनटीएस के पेपर में लास्ट टाइम आया था. ये है आर्कटिक ओशन. नेक्स्ट, हाँ आर्कटिक क्वेश्चन. और हेजल कुम डेजर्ट इज प्रेजेंट इन उज़्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान. ये जो हेजल कुम डेजर्ट है ये है उज़्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान के अंदर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेट सर्कल, तो इक्वेटर जो है वो आपके पास ग्रेट सर्कल है. द फॉरन फ्रेज चार्ज अफेयर्स मीन डेप्टी एम्बेसडर, ठीक है. ये जो फॉरेन फ्रेज जो है चार्ज अफेयर्स, इसका मतलब है कि ये क्या है, डेप्टी एम्बेसडर. कलकत्ता इज सिचुएटेड इन बैंक ऑफ रिवर होगाली रिवर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ विंटर रेनफॉल, तो मेडिटेरियन रीजन जो है उसके अंदर वो क्या है, सेंटर होता है विंटर रेनफॉल, यानी कि विंटर रेनफॉल का जो मेन एरिया है वो है मेडिटेरेनियन. नेम द पर्सन हु डिस्कवर्ड फ्लोरिडा, जॉर्जिया एंड मिसिसिपी इन 1539, तो उसका नाम था सर जेम्स क्लार्क. ये इस तरह अगर अलग अलग भी आ सकता है कि हु डिस्कवर्ड फ्लोरिडा, जॉर्जिया, मिसिसिपी, तो इसका है सर जेम्स क्लार्क. द लेंथ ऑफ द स्विस कैनाल इज अप्रोक्सीमेटली 170 किलोमीटर. स्विस कैनाल की जो लेंथ है वो है 170 किलोमीटर. हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ द बर्ड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ परिंदों की जो स्पीशीज हैं वो हैं तकरीबन ओवर 740. ठीक है, परिंदों की स्पीशीज के बारे में बात हो रही है. इन विच सीजन, इन विच सीजन रिजर्वॉयर्स ऑफ पंजाब एंड सिंध आर अलाइव विद माइग्रेंट बर्ड्स, तो स्प्रिंग सीजन के अंदर जो है ना पंजाब और सिंध के अंदर जो माइग्रेंट बर्ड्स होते हैं वो आते हैं. Violating international law, Israel has constructed a concrete wall to divide the Palestinian and Gaza. यानी कि जो international law को violate करते हुए Israel ने एक concrete की wall बनाई divide करने के लिए Palestine को Gaza से. World Press Freedom Day is observed in on 3rd May. World Press Freedom Day है 3rd May में, May को celebrate किया जाता है. Which is the country to have won the most Olympic title? So most Olympic titles jo hain wo USA ab tak jeet chuke hain. Which is, what is the height of the wickets used in the game of cricket in inches? Aur ye jo wickets ki inches ke andar jo hai height hai wo hai 28 inches. The winner of the 2003 Nobel Prize for Literature, John Maxwell,
कोइट्सी बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो वो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे जिन्होंने लिटरेचर के अंदर लिया था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिटी, तो जेरिचो जो है ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिटी है. विच अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट वॉज प्रेज्ड बाय एडोल्फ हिटलर इन हिज ऑटोबायोग्राफी मेन कैंपफ, इन फैक्ट ही वॉज द ओनली अमेरिकन टू बी प्रेज्ड बाय हिटलर. तो वो जो हेनरी फोर्ड था अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट था जिसको जिसकी हिटलर ने तारीफ की थी अपनी ऑटोबायोग्राफी में. हेनरी फोर्ड. हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन डेवलपमेंट इज लोकेटेड इन वॉशिंगटन. लार्जेस्ट एयरपोर्ट है जो दुनिया का वो है किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट. किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट. व्हिच इज द नेम ऑफ बेल्जियम्स न्यूज एजेंसी? बेलगा. ओके, बेल्जियम की न्यूज एजेंसी का जो नाम है वो है बेलगा. ओके, व्हेन द ब्रिटिश डोमिनियंस बिकम डिफाइंड एज फ्री एंड इक्वल कंट्रीज विद इन द ब्रिटिश एम्पायर 1926. बस बस द कंटेम्पररी ऑफ शेक्सपियर. बस बस 160 तक. ओके ओके ओके, इसको दोबारा कर ले. व्हेन द डोमिनियंस बिकम डिफाइंड एज फ्री एंड इक्वल. द ब्रिटिश डोमिनियंस बिकम डिफाइंड एज फ्री एंड इक्वल कंट्रीज विद इन द ब्रिटिश एम्पायर 1926 के अंदर. ये ठीक है आज के लिए. मेरे ख्याल से हमने काफी एमसीक्यूज कर लिए हैं. हमारा सेशन एंड हो रहा है तो अल्लाह हाफिज यहाँ तक. इंशाल्लाह ताला कल का हमारा जो सेशन है फातिमा ही कंडक्ट करेंगी और करंट अफेयर्स के ऊपर ही होगा. हमारे 4 घंटे का ये सेशन है तो अगर हम 1-1 घंटे का रात को करेंगे तो 4 दिन तक ये सेशन चलेगा. ठीक है, करंट अफेयर्स का तो 4 दिन हम इसके प्रिपरेशन करेंगे. ठीक है, तो ये जनरल नॉलेज. तो ये बता देंगे कल सेशन कितने बजे शुरू करना है? 9 बजे. 9 बजे एग्जैक्ट 9 बजे स्टार्ट करेंगे. ठीक है क्योंकि दिन की लाइट का आजकल इशू है इस वजह से. जब लाइट होगी तो फिर हम दिन के टाइम में भी कर लेंगे. ओके, टेक केयर. हमारे स्कूल्स भी ओपन. हाँ बिल्कुल ठीक है. ओके.